1950 आजिर दिन में लौहपुरुष सर्दार वल्लभ भाई पटेल निधन होता हृदघात जो मुंबई में शेष निश्वास त्याग करते सर्दार पटेल शेष यात्रा रे 10 लक्ष लोक सामिल होते देशर प्रथम गृहमंत्री सर्दार पटेल 500 रु अधिक गणजात राज्य को देश में सामिल कर भारत को अखंड बनाइवा दिगरे कार्य कर विशिष्ट भाषा तत्वविद ध्वनि तत्वविद अनुवादक प्राबंधिक और भ्रमण कहानी लेखक प्रोफेसर गोलक बिहारी धल जन्म 1921 मसीहा आज दिन में ढेंकानाळर गंजेडीह ग्राम से होता विभिन्न गठनमूलक मूल्यबोध तथा ओडिशार समाज शिक्षा संस्कृति और परंपरा उपर आधारित प्रबंधमान रचना कर से खूब लोकप्रिय हो पारी भारत सरकार अधीनस्थ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी ट्रेनिंग स्कूल रे भाषा विज्ञान माध्यम रे भाषा शिक्षा देवारे से होती देशर प्रथम अध्यापक 50 दशक भारत में नुआक आरंभ होता भाषा स्कूल गुड़िकर अध्यापना क्षेत्र में से थे सबुठ कम वयस्क और एकम्र ओडिया अतिबड़ी जगन्नाथ दास सम्मान प्राप्त ओडिया साहित्यिका बसंत कुमारी पट्टनायक जन्म 1923 मसीहा आज दिन में कटक तेलंगा बजार रे होता से अर्थनीति में स्नातकोत्तर हासिल करते साहित्य को समय नदी पारिवार आशंका जोगु चाकरी करि नथिले गल्प लिखनरो बसंत कुमारी साहित्यिक जीवन आरंभ होता परवर्ती समय से कविता उपन्यास एकांकिका और अनुवाद साहित्य रे मध्य प्रवेश करिथिले जे कृष्णमूर्ति द्वारा प्रभावित बसंत कुमारी बहु पुस्तक ओडिया रे अनुवाद करिछंती अमड़ाबाट चोराबाली अलिभा चिता पालटा ढेउ आदि बसंत कुमारी जनाशुना रचना 1966 आज दिन में विश्व प्रसिद्ध फिल्म निर्माता तथा आनिमेटर वाल्ट डिज्नी परलोक होता मिकी माउस मिनी और गुफी परि चर्चित कार्टून चरित्र स्रष्टा होती वाल्ट डिज्नी 59 थर ओस्कार पुरस्कार नोमिनेट कर 22 थर से ओस्कार पुरस्कार जितबारे सक्षम होते जहाँकि एक विश्व रेकर्ड 1832 आज दिन में प्रसिद्ध फ्रेंच आर्किटेक्ट गुस्तेफ आइफेल जन्म होता बहु विश्वस्तरीय स्मारक निर्माण में आइफेल रही गुरुत्वपूर्ण भूमिका प्यारिस स्थित आइफेल टावर डिजाइन से प्रस्तुत करते टावर नामित कर अमेरिकार न्यूयॉर्क शहर में स्थापित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी निर्माण भी गुस्तेफ आइफेल करते